जो है ये बेचारे वो मेहनत का काम करते हैं, मजदूरियां करते हैं, जो लग्जरी है राजा राजा प्रिंस सब ये ऊपर बैटिंग करते हैं 1-2-3 में, उनके सारे रन होते हैं, बाद में आके आपको अगर 80-82-90 बनाने हैं आपको बॉले 50 ही मिली हैं। हेनरिक क्लासन को भी 40-50 बॉले मिलती है, मैक्सी को भी 50 बॉले मिलती हैं, उनको बनाने होते हैं उन बॉलों पे 100 रन, वरना 100 रन तो इज देयर फॉर द टेकिंग, कि आपने पहले 10 में 60 बनाए, अगले 10 में 60 बनाए, उसके अगले 10 में भी आप 70 बनाओ, ऐसी लग्जरी बाद में नहीं है, बाद में तो आपको लप्पे लगाने पड़ते हैं अच्छे से। तो श्रेयस अय्यर वाज एब्सोल्युटली नंबर वन पारी अगर आज की खेल के गया है श्रेयस अय्यर। श्योर भाई आपको कैसी लगी श्रेयस अय्यर की पारी, क्योंकि थोड़ा सा उनके ऊपर मतलब डाउट्स भी हो रहे थे श्रेयस अय्यर के ऊपर, बातें भी चल रही थी कि सूर्य कुमार यादव से उनको रिप्लेस कर देना चाहिए, कैसी लगी वो पारी, क्योंकि 30 ओवर के आसपास वो आए थे उस टाइम पर, श्रेयस अय्यर ने कितना इंपैक्ट डाला? यार ये जो आप रन्स गिन रहे हैं ना जी, इसने अय्यर ने आपको करा के दिए, और अगर ये ना करता ना आपके रन्स, अगर देखें उसके इंटेंट देखें, फॉर्म उसके पास है नहीं, रन्स उसने किए नहीं हुए, दबाव में वो है, लेकिन व्हाट अ गुड टीम मैनेजमेंट, ड्रॉप नहीं किया, और आज उसकी इंटेंट देखी बच्चे की, और उसने कहा नहीं यार मैं खेलूंगा इंडिया के लिए, इंडिया के लिए खेलने आया तो आज इंडिया के लिए ही खेलूंगा, तो अगर वो ना करता तो आपके ये रन्स भी ना होते यार, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप कहा 310-5 पे आउट हुए होते। सो आई थिंक अय्यर ने, हमें मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने रन्स बनाए, मुझे बहुत दिली इसलिए खुशी हुई यार, बच्चा है अपने भी रन्स कर सकता था, ये 50 भी कर सकता था अपने जी, ये अपने 50 करके भी जान छुड़ा सकता था, लेकिन नहीं यार यही मैंने देखना होता है ना, यही आज क्रिकेट में यही है ना, आकाश ने बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया भाई, 100 तो पड़े हुए हैं सामने पहले 3 के लिए, जो मर्जी आए बनाए, खाए पिए, मजे करे, मुझे करे, फंसे तो क्या, ये 4th-5th पे हुए हैं जहां पे असल में मैच फंसते हैं, T20 भी और वनडे भी फंसते हैं, यही वो लड़के हैं बेचारे जहां पे उनको तेज भी खेलना है, रोटेशन और स्ट्राइक भी करनी है, रन भी बनाने और जगह भी जस्टिफाई करनी है कि हाँ आई एम द राइट चॉइस टू बी पिक्ड फॉर हिंदुस्तान, बट अगेन आई थिंक अय्यर हैट्स ऑफ टू यू, वेल डन वेल डन, आई थिंक दिस गाय इज अ रियल टैलेंट, अब ये नहीं कि स्कोर किए हैं लेकिन मुझे इसकी इंटेंशन का बहुत मजा आया। बिल्कुल बिल्कुल, तो श्रेयस अय्यर ने भी बढ़िया पारी खेली, लोकल बॉय हैं वो मुंबई के, एक लोकल बॉय फेल हुए शुरुआत में कप्तान रोहित शर्मा, पर लोकल बॉयज की बात कर रहे हैं तो भाई लोकल वहां पर चले जाते हैं ना, मुंबई पहुंचते हैं हम, क्योंकि मुंबई में किरण हमारे साथ है, वहां पर जुड़ी हुई है किरण, और वहां पर जानेंगे कि किस तरीके से मुंबई का माहौल कैसा है यहां पर, किरण किस तरीके का माहौल है, सुना है बहुत गर्मी हो रही है, पर क्या किस तरीके से जो फैंस हैं वो कितने अभी भी जोश में है, 357 रन टीम ने बढ़िया स्कोर टांग दिया है। जी बिल्कुल, गर्मी थी, धूप खिली थी, लेकिन लोगों का हौसला कम नहीं था क्योंकि वो जानते थे कि आतिशबाजी होगी भारत के बैटर्स की तरफ से, जब खुद श्रीलंका ने इनविटेशन दे दिया था और हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन दिल लालची है ना चैन, दिल चाहता था कि 400 हो जाए, और यहाँ भी सब चाहते थे, खुद ही जान लेते हैं 357 आपको लगता है 400 तक एक तरफ हम जा रहे थे, कितने 357 देखिए बहुत ही अच्छा स्कोर है, स्टार्ट में जब रोहित शर्मा आउट हो गए थे उसके बाद थोड़ा स्लो हो गया था, बट जैसे एंड एंड में पेस पकड़ा हुआ है, पिच उतना सिंपल नहीं लग रहा है, और हमारे पास बॉलर्स है, 357 इज ए वेरी गुड टारगेट, और पूरी उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे। श्रीलंका डर रही होगी, 50 वाला दिमाग में होगा जब इंडियन बॉलिंग अटैक के सामने आ रहा है। श्रीलंका के लिए 150 ही काफी था मेरे को लगता है, बाकी के 150 एक्स्ट्रा मार लिए इन्होंने, तो शाम को सब 8 बजे तक मेरे ख्याल से सब पेविलियन में अपने घर पहुंच जाने चाहिए, हमने उनका खातिरदारी करने के लिए बहुत अच्छा खाना रखा है, तो प्लीज़ आप लोग जरा जल्दी आउट होके पहुंच जाइए, और 150 रन आप लोग के लिए बहुत है, थैंक यू। श्रीलंका मेरे को लगता है कि 250 के अंदर ही सिमट जाएगी, जो है जिस हिसाब से उनकी श्रीलंका से 50 लग रहा था इनको, 250 आपको कितना लग रहा है? मुझे लग रहा है 255 होएगा, 255 होगा, ये तो प्रॉपर प्रेडिक्शन दे दे रहे हैं, खराब हो रहा है, बहुत सारे फैंस वहां पर पहुंच चुके हैं, तो श्रीलंका को वैसे ज्यादा इज्जत नहीं मिल रही है, थैंक यू जो करा है ना श्रीलंका को, ट्रैफिक के हिसाब से करा, 8 बजे तक निकल जाना चाहिए, लेकिन चलिए अभी जो टाइम है वो है सबसे बड़ा खिलाड़ी जानने का, इस मैच का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन रहा, इंडिया ने पहले बैटिंग करी और यहां पर श्रीलंका के सामने जब श्रीलंका ने इनवाइट किया और वो प्लेयर जिसका वर्ल्ड कप बहुत बढ़िया नहीं जा रहा था वो टॉप स्कोरर रहे आज के मैच में, शुभमन गिल भाई 92 रन इन्होंने बनाए, 11 चौके 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 100 का स्ट्राइक रेट, और शुभमन गिल रहे हमारे सबसे बड़ा खिलाड़ी, क्योंकि शुभमन गिल की फॉर्म जो खासतौर पर इस मैदान पर बहुत बढ़िया नहीं थी ऐसा आकाश भाई ने सुबह बताया था,
और यहाँ पर उन्होंने जो उम्मीद थी आकाश भाई को शुभमन गिल से, वो शुभमन गिल ने करके दिखाया, खरे उतरे, काफी सारा रन मारा। लेकिन यहाँ पर अब टीम इंडिया को ये मैच जीतना है। टीम इंडिया ने 357 रन का ये जो बड़ा स्कोर जो है यहाँ पर, आकाश भाई बिल्कुल जाते जाते समय